तो हम लोग अभी तुर्रा में पहुंच चुके हैं और आपको अभी भरोसा नहीं होगा कि ये जो है तुर्रा में आप जो पीछे देख रहे हो ये आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक और नए एडवेंचर में। अभी हम लोग हैं जहाँ पर रात में हम लोग ने जहाँ पर कैंपिंग की थी उसी गांव में हम लोग वेट कर रहे हैं। और ये जो आप घर देख रहे हो ना इसमें हुआ क्या, रात में हम लोग ने एक एक्सटेंशन लगा के रखा था चार्जिंग के लिए और सुबह सुबह ये भाई कहीं पर निकल गए तो इनके लिए वेट कर रहे हैं। तो ये जैसे आएंगे हम लोग अपना एक्सटेंशन लेंगे और हम लोग निकल जाएंगे गारो हिल्स की ओर। और यहाँ पर आगे जो देख रहे हो ना यहाँ से आगे जाके वो जो कार लगी उसके बाजू में जो होटल है ना छोटा सा वहीं पर हम लोग ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर दिया। तो ब्रेकफास्ट भी ऐसा था कि हम लोगों ने कुछ बोला ब्रेकफास्ट टेबल पे आके रेडी था तो हम लोगों ने सिर्फ चाय बोला था बट ठीक है सब कुछ आ गया, हम लोगों ने कुछ बोला नहीं बट सच में ब्रेकफास्ट वगैरह भी अच्छा था। तो यहाँ पर कुछ बनाना दिख रहे हैं तो इसमें से देखते हैं कुछ बनाना लेते हैं। आंटी कितने का है भैया फल? हाँ थर्टी। ये वाला कितने का? कितना? 30। एक दे दीजिए, देखते हैं मेरे पास छुट्टा है कि नहीं। ये वाला हम लोग ले लेते 30 रुपए में, काफी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग ने वो खिला लिया था खाने के लिए, पूरा एक डजन तो नहीं था 10 थे उसमें से, बाकी तो डिस्ट्रीब्यूट करती है और थोड़े बचे तो हम लोग खा रहे हैं। उसका टेस्ट में बहुत ही डिफरेंस रहता है महाराष्ट्र के केले में और इसके केले में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है और थोड़ा टेस्ट अच्छा देता है ज़्यादा। और यहाँ पर हम लोग ने सुबह ब्रेकफास्ट किया था और बाद में यहाँ पर पीछे जाके हम लोग एक्सटेंशन के लिए वेट कर रहे थे, एक्सटेंशन मिल गया, केला मिल गया, अभी हम लोग निकल रहे आगे की ओर गारो हिल्स। तो दिन का पहला लिंक हमको मिल चुका है गारो हिल्स के लिए लिफ्ट मिल चुका है। ये जो आप देख रहे हो ना ये गाड़ी में हम लोग को लिफ्ट मिला और ये भैया जो है इन्होंने हमको हेल्प किया। तो अभी बारिश की वजह से यहाँ पर बहुत जोर से बारिश गिर रहा है, इसकी वजह से हम लोग को रुकना पड़ा क्योंकि ऊपर कुछ बिछाने के लिए भी नहीं था और गाय भीग रहा था तो उस वजह से हम लोग ने रेस्ट लिया है और यहाँ पर रुके हैं। जैसे बारिश कम हो जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे आगे सीधा गारो हिल्स। ये आप देख रहे हो बारिश कितना तेज है। तो दोस्तों हम लोग जिस गाड़ी में थे अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि आगे बारिश आ गया और हमारा दिन अच्छा था कि भैया के पास में ये ताड़पत्री थी तो उन्होंने अभी हम लोग को बारिश से कवर करने के लिए उन्होंने ये ताड़पत्री डाला है और हम लोग के पास में भी ये कवर था तो इसे भी हम लोग ने थोड़ा सा ढक लिया है। तो ये ऐसा लाइव रहता है एक यूट्यूबर का। तो देखिए हम लोग का स्ट्रगल। तो दोस्तों हम लोग अभी चेंजल में आके रुके थे, यहाँ से कम 1.5 या 2 घंटा हो गया हम लोग लिफ्ट के लिए ट्राई कर रहे थे बट मिल नहीं रहा था। फिर लास्ट में अभी ये भैया रुके हमारे लिए और अभी हम लोग तुर्रा की ओर जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो बोरो हिल्स में गारो हिल्स में जो हमारा डेस्टिनेशन था वो तुर्रा था, मतलब अभी हम लोग तुर्रा की ओर जा रहे हैं। तो इन भैया का धन्यवाद जो इन्होंने हेल्प किया हम लोग को क्योंकि कोई रुके नहीं रहा था, बहुत हो गया। तो चलिए अभी मिलते हैं सीधा तुर्रा में।
हम लोग अभी तुर्रा में पहुंच चुके हैं और आपको अभी भरोसा नहीं होगा कि ये जो है तुर्रा में आप जो पीछे देख रहे हो ये आज से बना हुआ जो मिरर का जो है पूरा ये इंटर स्टेट बस टर्मिनल से, ये एक बस टर्मिनल से हमको तो पहले भरोसा ही नहीं हुआ। ये देखिए पूरा कांच से बना हुआ है और हम लोग अंदर भी जाके देखेंगे, देखते हैं अंदर जाके क्या है क्या नहीं। बाप रे कितना बड़ा है, इतना बड़ा बस टर्मिनल इतना बड़ा बना के रखा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और अंदर के साइड में देखिए इधर बस इधर है ये साइड में, हम लोग वो साइड में सर्च कर रहे हैं पर बस मिल ही नहीं रहा है। हम लोग बोले इतना बड़ा बस स्टैंड है बस टर्मिनल है पर एक गाड़ी नहीं है, गाड़ी ये रहा। यार यहाँ पर वैसे खाने का भी बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा है, खाने के लिए भी देखना पड़ेगा क्या मिलता है खाने को, बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है। भैया खाने के लिए मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, खाने के लिए क्या है खाने को, क्या खाने के लिए? अरे भात मिलेगा, भात। हाँ भात और साथ में मुर्गी मिलेगा, मुर्गी है। क्या प्लेट है भात का साथ? मुर्गी का साथ 130 130। ठीक है ठीक है, अभी थोड़ा भूख लगा है कुछ खा लेते, बहुत दिनों के बाद में यहाँ पर चिकन खाने को मिल रहा है। दाल राइस और परोठा बस यही खाया है इतने दिनों में, आज थोड़ा चिकन खा लेते हैं। देखिए कैसा है, पूरा कांच से बना हुआ है, मैंने तो कभी महाराष्ट्र में भी इतना बड़ा टर्मिनल नहीं देखा, वो भी बस का। यहाँ पर देखिए बस टर्मिनल ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट बना के रखा है। तो चलिए कुछ खाते। तो दोस्तों हम लोग अभी तुर्रा का जो मार्केट है वो मार्केट में आए थे क्योंकि हम लोग को एक्सटेंशन चाहिए था, क्योंकि एक ही बोर्ड था उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था चार्ज करने के लिए। तो हम लोग ने एक एक्सटेंशन लिया जिसमें चार स्विच है, तो अभी हम लोग का तो काम हो गया है। और ये जो है आप देख रहे हो ये तुर्रा मार्केट है, तुर्रा का मेन मार्केट है। पर यार यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ही महंगा है, हम लोग वैसे दूर भी है 7 से 8 किलोमीटर है पर पूरा 40 रुपये पर पर्सन दे के आए। तो अभी हम लोग अभी रिटर्न जा रहे हैं, देखते हैं अभी वहाँ पर जाके। हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है जो बस टर्मिनल है वहाँ पर, हम लोग ने बोला है उनसे कि हमको आज रात के लिए स्टे करने के लिए दे दीजिए। तो वहाँ का जगह वगैरह देखते हैं कैसा है क्या। लॉक क्लोज कर दो। तो दोस्तों हम लोग अभी मार्केट से रिटर्न, जो अपना बस टर्मिनल था बस टर्मिनल, तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अभी हम लोग आज रात यहीं पर रुकने वाले, फिर से हम लोग कैंपिंग करने वाले और इस बार हम लोग कैंपिंग टर्मिनल के अंदर करने वाले। तो अभी जा रहे हैं अंदर और हम लोग को ऑलरेडी जगह दिखा दिया था तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। तो आज का जो ब्लॉग है यहीं पर एंड करते हैं और बताना कि ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं कल सवेरे ऐसे ही नए एडवेंचर के साथ में, और ब्लॉग थोड़ा पूजा लेने क्लोज कर। तो चलिए बाय बाय।